And last but definitely not the least, माशाल्लाह, I love his energy and enthusiasm, जिस तरह खास तौर पर इस pandemic में जहां अक्सर लोग anxiety का शिकार थे, he was not only in high spirits himself, but he was able to help so many people. यानी 80% इनकी जो consulting होती है वो online होती है. A high energy person, certified fitness professional from California. इसके अलावा mind sciences के specialist भी हैं. अगर अभी आप मुझे Instagram पर follow कर रहे हैं तो मैंने लोगों को कहा था diet सिर्फ वही नहीं होती जो आप खाते हैं, बल्कि it's all that you put in your mind as well. So he is subscribes to the same school of thought. हमारे साथ मौजूद हैं उमर बिलाल अहमद. Thank you उमर for being here. Thank you. उमर, सबसे पहले अगर गुफ्तगू तुमसे ही शुरू कर लूं, मुझे ये बताओ कि यंग लोग जिनके साथ तुम कंसल्टिंग कर रहे थे, इस वक्त इतना ऑब्सेशन क्यों है फिट होने का? मैम, मैं आपकी गुफ्तगू अभी थोड़ी देर पहले से मैं सुन रहा था, मैं फॉलो कर रहा था. मैं सबसे पहले आपके तवज्जो से एक मिसकंसेप्शन पहले क्लियर कर दूं, जो कि मैंने आपके पैकेज में भी देखा जो चला, और जो एक इन जनरल हमारी सोसाइटी के अंदर नजर आएगा आपको, जो लोगों का कॉन्सेप्ट है वो वर्ड डाइट है. डाइट नो वेयर मीन्स कि आपने भूखा रहना है, भूखा रहना है. डाइट और स्टार्वेशन में फर्क है. सबसे पहले ये रहे, भूखा रहने को स्टार्वेशन कहते हैं, और डाइट के मुझे इस तरह से कुदरती तौर पे, मैं इस फील्ड के पार्ट हूं, मुझे आज तक याद है व्हेन आई वाज इन क्लास 2 चैप्टर नंबर 3 ऑफ साइंस की बुक जो मेरी थी उसका चैप्टर 3 था वॉज डाइट. And diet simply means what you eat and drink. What you consume, basically. What you consume. Whether it's fast food, whether it's cold drinks, whether it's ice cream or anything. Whatever you consume. आप ये पत्ते खा रही है ना, ये कागज हैं, ये भी आप खाएंगे तो ये आपकी डाइट कहलाएगी. बिल्कुल. In fitness, what diet means is clean eating. Eating close to nature. No, सबसे पहले आपसे जब कोई फिटनेस एक्सपर्ट अगर पूछे, क्योंकि मुझे जो है ना प्रॉब्लम जरा सोसाइटी में जरा ज्यादा फेस होती है, तो मैं मिसकंसेप्शन पहले क्लियर करने के ऊपर, तो मेरा पर्सपेक्टिव तो मिसकंसेप्शन पे रहेगा. ठीक है, तो मिसकंसेप्शन एक लोगों का जब डाइट के बारे में आता है, मैं आपको इसका भी क्लियर कर दूं कि हम जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, कोई भी आप खाना उठा लें, उसमें आपको रोटी मिलेगी, उसमें आपको या तो चावल मिलेंगे, मीट होगा, वो फिश हो, मटन हो, चिकन हो, बीफ हो, मसाले मिलेंगे, तेल मिलेगा और सब्जियां मिलेंगी. इन्हीं सब चीजों से सारी डाइट बनती है. सो बेसिकली यही सारी चीजें आपको कंज्यूम करनी होती हैं, लेकिन आपके करंट बॉडी स्टेटस के हिसाब से आपको कितना गोश्त लेना है, कितना तेल लेना है, कितना रोटी, कितना चावल, कितनी चीनी लेनी है, ये मैटर करता है. तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो पोर्शन है, यानी प्रोपोर्शन ही बहुत ज्यादा है. सबसे बड़ा मसला पोर्शन नहीं है. पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो इलिटरेसी है. हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और हम शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं. मैं खवातीन को ये चीज बताता हूँ, देखिए मेरे क्लाइंट्स में जितने भी लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मैं ये मिसकंसेप्शन उनका क्लियर करता हूँ बार बार, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. आप जो भी चीज खाएं, अगर आपकी डाइट में रोटी चावल नहीं है, तो रोटी चावल आर कार्बोहाइड्रेट्स जो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आपकी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है. अब लोग क्या करते हैं, उनको जब वेट लॉस और फैट लॉस का लोगों को फर्क नहीं पता, अब लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं हमें वेट लॉस करना है. देखें, आप पानी पीना छोड़ दें, आप खाना खाना छोड़ दें, आपका ओवरऑल बॉडी वाटर वेट भी गिराएगी, और साथ में आपकी बॉडी में जब प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो तुमने यहाँ पे की है कि वाटर लॉस. लोग ये बात रियलाइज नहीं करते कि किसी भी कंसल्टेंट के पास अगर गए हैं, उसके बड़े बहुत ज्यादा माहिर होने की डॉक्टर रीज निशानी है. नजदीक मैं शायद हो सकता है कि 3000 कैलोरीज से भी ज्यादा लेता हूँ एक दिन के अंदर, जो कि इनफ होती है, लेकिन मैं उस तमाम की तमाम कैलोरीज को कन्वर्ट करता हूं अपनी बॉडी फ्यूल में. उस फ्यूल को इस्तेमाल करता हूं अपनी मूवमेंट में. तो मेरे नजदीक डाइट का कंट्रोल करना तो मानी नहीं है. सही. कोई चीज भी यहाँ पे मैं इनसे इख्तलाफ करूंगा. देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ये अपनी एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई मैं 3000-4000 कैलोरीज खा रहा हूँ और मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरा वजन कम रहेगा. नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं आपकी बात यहाँ काटता हूँ, सुनिएगा. वर्कआउट की बात नहीं होती, वर्कआउट की बात नहीं होती. मैं भी अपना जवाब दूं, आप अगर 4000 कैलोरीज खा रहे हो और पूरा दिन आप भागते जा रहे हैं मैराथन रनर की तरह, तो आप कम रहेंगे. बात यहाँ पे, हर बंदा तो आपकी तरह से हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं कर सकता. आपको उनको खवातीन को जो हमारी घर पे मौजूद है, उनको आपने एक कन्वीनियंट सोल्यूशन देना है. आप उनको ये नहीं कह सकते कि मेरी तरह आप 3000 कैलोरीज खाएं और आप मेरी तरह वर्कआउट करें. काम है कि वो लोग जो ओबीस हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उनमें मोस्टली आयरन की कमी भी है, विटामिन डी की कमी भी है, B12, मैग्नीशियम. मुझे नहीं मालूम द बैकग्राउंड ऑफ बोथ ऑफ माई गेस्ट जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बता दूं. जब आप एक ट्रेनर, आप एक कंसल्टेंट, जब आप एक न्यूट्रिशनिस्ट और आप एक
डाइटिशियन होते हैं ना, आपको क्लाइंट को समझना पड़ता है वो किस पर्सपेक्टिव से गुजर रहा है, उसका क्या सोच है, और वो आपको तब तक आपके अंदर नहीं आ सकती जब तक आपने खुद उस किस्म का एक्सपीरियंस ना किया। तो सवाल हमें पता है दुनिया भर में, देखो मेरा सवाल का जवाब दो। देखें बात काट रहा हूँ, मुझसे कह रहे हैं कि ठीक है आप, तो आप ये कह रहे हैं आप ठीक है ना कि बहुत लंबी ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती, आप ये नहीं समझे कि मैं घंटों ट्रेनिंग करता हूँ, मेरा ट्रेनिंग आपकी ट्रेनिंग को क्रिटिसाइज 15 मिनट है, लेकिन आप फिटनेस के उस स्टैंडर्ड पे तो आए। मैं आपको देखें, आप लोग बुरा मत मानिएगा, बट सारी गुफ्तगू जो आप लोग कर रहे हैं ये आप लोग अगर मैं टीवी बैठे देख रहा हूँ ना तो मैं कंफ्यूज रहूंगा, मैं किसी लुबे लुबाब पे पहुंचूंगा नहीं। देखिए पब्लिक जो सुन रही होती है उसे सोल्यूशन चाहिए होता है, और सोल्यूशन सबसे पहले ये समझ लें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। जो डाइट की बात की जा रही है, डाइट का मतलब है क्लीन ईटिंग, नेचर के करीब ईटिंग, हेल्दी ईटिंग। तो वो बैलेंस डाइट जब आपकी होती है उसमें फ्रूट्स भी होते हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी होते हैं, उसमें मीट भी होता है, उसमें रोटी चावल भी होता है, फिर तुम्हारे लिए सवाल है, फिर तुम्हारे लिए सवाल भी होता है। मेरे जैसा नॉलेजेबल शख्स भी है जिसको पता है कि यार भूख लगी है तो हाई एनर्जी फ्यूल इस वक्त एक मुट्ठी नट्स ले लो, लेकिन फिर जबान का चटखारे का क्या करें जो गोलगप्पे मांग रहा है। देखिए मैं आपके इसी सवाल से आपका जवाब दूं, देखिए यू सेड ऑन दैट सोफा दैट यू आर सिटिंग ऑन कि यू आर नॉलेजेबल। देखिए अगर आप नॉलेजेबल हैं, अगर आप अपने आप को मिसाल के तौर पे 30 मार खान कोई भी समझता है, जो आपने पर्सपेक्टिव दिया यही क्लाइंट्स का भी होता है, हमें सब कुछ आता है, हमने गूगल यूट्यूब कर लिया। मेरा तो सवाल अलग था आपसे। अगर आप खुद नॉलेजेबल है ना तो फिर आप यहां हो, मैं यहां आ जाता हूं। बात यह कि सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना है, क्लाइंट को ये रियलाइज करना है उसको कुछ नहीं मालूम। अगर आप किसी को कंसल्ट करने जा रहे हैं, अगर एक कंसल्टेंट के पास आप आ रहे हैं, यू नीड टू रियलाइज दिस पॉइंट दैट यू नो नथिंग। मैंने सोच लिया कि मैं 30 पे बुड्ढा हो गया हूं तो इसका मतलब है आप बुड्ढे हो गए। ऑन द अदर हैंड इफ यू फील कि ये आपकी जिंदगी का प्राइम है तो आप उसी तरह इसको अप्रोच करेंगे। व्हाट डू यू से? मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं तो एक्नॉलेज कर रहा हूँ आपकी बात को, आप मुझे ये बताएं मैं किस चीज का जवाब दूँ आपको। नहीं मैं आपसे पूछ ही रही हूँ कि जब फिर लोग ये अस्यूम करते हैं कि 40 के बाद अगर मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है तो अब कुछ नहीं हो सकता, ये वजन तो रहेगा। ऐसा नहीं है, मेरी अप्रोच मैं आपको एक दफा बिल्कुल समराइज करके बता दूं, बैलेंस डाइट विद एक्सरसाइज, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ चीजों का आपका होना चाहिए। आप सिर्फ ये कहें कि डाइट अच्छी हो जाए एक्सरसाइज ना हो, ठीक है, आप ये कहें कि एक्सरसाइज अच्छी हो जाए डाइट खराब हो, ये अप्रोच नहीं है। एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर इज बैड फॉर अ ह्यूमन बीइंग इन अ लॉन्गर रन। आपकी हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, उस बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस एक्सरसाइज मिनिमम क्या है, वो अगर आपको कोई कंसल्टेंट या कोई भी अच्छे तरीके से गाइड कर देता है, वो चीज कस्टमाइज्ड होती है हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। आप बैठी हैं, आपके लिए डाइट प्लान बैलेंस मुख्तलिफ होगा, आपके लिए एक्सरसाइज मुख्तलिफ होगी। एक 40 इयर्स की 80 केजी की खातून बैठी है उनके लिए अलग होगा, एक वर्किंग वुमन है जो 40 की है लेकिन 80 केजी वेट है उनके लिए अलग होगा। सो इट डिपेंड फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। सो यू बिलीव इन कस्टमाइजिंग अ प्लान। हर चीज इंपॉर्टेंट होता है। उमर वेरी क्विकली, जब हम बात करते हैं 45, तुमने वैसे कहा कि कस्टमाइज प्लान होने चाहिए, लेकिन लोग आमतौर पर अन इवन साइंस सेज कि योर मेटाबॉलिज्म विल स्लो डाउन एज यू एज। अगर किसी का वजन 45 के बियॉन्ड बढ़ा हुआ है, नीज का भी प्रॉब्लम है, रिग्रेस एक्सरसाइज नहीं कर सकता, किस किस्म का डाइट प्लान सजेस्ट करोगे? मैम वो बैलेंस्ड होता है, उसमें मैं जो सजेस्ट करता हूँ अगर मेरे से जाती तौर पे पूछे तो उसमें क्लाइंट की कंडीशन देखी जाएगी। अगर वो पीसीओएस वगैरह का शिकार नहीं है खवातीन तो फिर उनके लिए आप मीट भी रिकमेंड कर देते हैं, फिर मिल्क भी रिकमेंड कर देते हैं, रोटी चावल भी रख देते हैं, मतलब अगर उनको इन जनरल उनका वजन बढ़ा हुआ है सो अल्टीमेटली वही बात आ जाएगी। मेरी कोशिश यही होती है कि रोटी चावल इन सब चीजों को रखा जाए, लेकिन अल्टीमेटली उनकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि वो कितनी होगी। लेकिन उमर तुम ये इस बात पे नजर रखते हो कि अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है या ग्लूटेन की वजह से उसको कस्टमाइज्ड प्लान का मतलब ही यही है कि यू आर आस्किंग द क्लाइंट व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर योर कंडीशंस, एंड देन यू डेवलप अ प्लान अकॉर्डिंगली। और उसके बाद भी एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि वो उसकी कंडीशन इंप्रूव होगी या मजीद अगर डिटेरिएट हो जाती है तो फिर भी प्लान मजीद चेंज करना पड़ता है। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी मेरे पूरे पैनल की, खुसूसन आई थिंक उमर।